हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शहाबुद्दीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कॉन्फिडेंट को बढ़ाने के लिए 5 टिप्स दूंगा। अगर आप ये 5 टिप्स को फॉलो करते हो तो आप में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ जाएगा। दोस्तों, ये कमेंट था फरमान अली का। अगर आप भी अपने टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये 5 टिप्स में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में बने रहे शुरू से अंत तक, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, कंटेंट एंड बिजनेस कॉपी। दोस्तों, आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं, इसलिए सबसे पहले मैं आपको YouTube का उदाहरण देकर बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको और भी 4 टिप्स दूंगा, लेकिन 5वां टिप्स बहुत ही काम का है, इसलिए 5वां टिप्स तक आप जरूर देखें। इस वीडियो में अंत तक बने रहे, सभी टिप्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके कॉन्फिडेंट को तेज़ी से बढ़ाने में। तो कंटेंट एंड बिजनेस कॉपी से ये मतलब है, मान लीजिए कि आप किसी यूट्यूबर को देखकर, उसके 4-5 वीडियो को देखकर आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, लेकिन उस चीज़ के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है जिस चीज़ को आप सिखाना चाहते हैं, तो आप 5-6 वीडियो बनाकर रुक जाएंगे, क्योंकि आपको आता ही नहीं है उस कॉन्टेंट के बारे में, कुछ भी आपको पता नहीं है, तो आप लंबे समय तक कॉन्फिडेंट के साथ नहीं चल पाएंगे। जैसा कि मुझे कराटे आता था, तो मैं कराटे शुरू किया, कराटे सिखाना शुरुआत किया, कराटे सेल्फ डिफेंस फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाना शुरू किया, तो मैं सफल हो पाया। दोस्तों, मैं कराटे से ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डन हूँ, बहुत दिनों से मैं सिखा रहा हूँ, 2018 से, और सक्सेसफुल यूट्यूबर हूँ मैं, बहुत सारा अर्निंग भी कर चुका हूँ यहाँ से, और अभी कर भी रहा हूँ। तो इसी एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ आता है तो ही आप चैनल बनाएं और उस चीज़ को सिखाएं। YouTube पर लंबे समय तक चलने के लिए आपको कुछ आना जरूरी है, जो आप सिखाना चाहते हैं उस चीज़ में आप एक्सपर्ट रहेंगे, तभी आप लंबे समय तक चल पाएंगे। दूसरे को देख करके आप कॉन्फिडेंट से लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे क्या आता है जो आप सिखाना चाहते हैं। आप इधर उधर से, गूगल से, दूसरे का वीडियो देख करके, छाप के, इधर उधर से करके आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। तो दोस्तों, ये आपका क्लियर हो गया होगा कि कॉन्फिडेंट आपको कैसे आता है आपको अपने काम में। दोस्तों, आगे भी मैं टिप्स में बहुत सारा कुछ बताने वाला हूँ, जैसे कि बात करने के बारे में। तो अब बिजनेस से मतलब ये है कि मान लीजिए किसी बिजनेस के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप उस बिजनेस को स्टार्ट ना करें, पहले उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर लें, उसके बाद ही आप स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी को गांव मोहल्ले में देखें कि वो लोग अगर अच्छा कर रहा है उस बिजनेस में, आप भी उसी में डूब गए, ऐसा बिल्कुल ना करें। दूसरे को देख करके स्टार्ट ना करें, आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं उसी चीज़ को स्टार्ट करें, जो चीज़ आता है आपको उसी चीज़ को लोगों को बेचें या तो सिखाएं, ठीक है। यहाँ पर भी एक तरह से बेचना ही है, ठीक है। मुझे कराटे आता था, तो मैं कराटे आप सभी को सिखाया, बहुत दिनों से अभी भी सिखा रहा हूँ, लेकिन आप सबका बहुत सारा कमेंट आता है कि सर और भी बहुत सारा कुछ सिखाइए, लाइफ का और भी बहुत सारा पार्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लाइफ में जो भी कुछ देखा हूँ, जो भी एक्सपीरियंस है मेरा, वो सब कुछ आपको सिखाऊँ। टिप नंबर 2, अचीव योर गोल। दोस्तों, आपका जो लक्ष्य है, जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंट धीरे धीरे आता जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह आप करते करते आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हो तो आप में खुद कॉन्फिडेंट धीरे धीरे आ जाता है। टिप नंबर 3, डोंट अंडर एस्टिमेट। दोस्तों, आप अपने आप को किसी से कम मत समझो, चाहे जितना भी बड़ा आदमी क्यों ना आ जाए आपके सामने, उसके सामने कॉन्फिडेंट से बात करो, आई कॉन्टेक्ट बना करके, उनसे डरो मत, हिचकिचाओ मत, चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो और चाहे जितना भी छोटा आदमी हो। आप अगर बड़े से बड़े लोगों से हाथ मिलाओ तो उसी कॉन्फिडेंट से, और छोटे से छोटे लोगों से भी हाथ मिलाओ तो उसी कॉन्फिडेंट से। ऐसा नहीं कि बड़े लोगों को देख करके अंदर से नर्वस फील कर रहे, ऐसा बिल्कुल ना करें। और ये सब सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा, आप में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, करते करते होगा, करने से होगा, तो धीरे धीरे होगा, एक ही बार में तो नहीं होगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। टिप नंबर 4, अपॉर्चुनिटी योर स्पीक। दोस्तों, अगर आपको कभी बोलने का अवसर मिले तो आप जरूर बोले। अगर कोई आपसे सलाह मांगे, अगर वो ये बोले कि मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ, ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ, कैसा रहेगा, तो आप अपना ओपिनियन जरूर दें। ऐसा नहीं बोले सिर्फ उनके ही बातों में आप हाँ में हाँ ना मिलाएं, क्योंकि आपको और भी लोगों से वो अलग समझता है, इसलिए आपके सामने वो अपने बात को रखा, कैसा रहेगा पूछ रहा है आपसे, तो आप उनके ही बातों में हाँ में हाँ नहीं मिलाएं। उनका जो प्लानिंग है, उनके ही प्लानिंग को आप एग्री ना करें। अगर उनका प्लानिंग सही है तो आप फिर हाँ कर सकते हैं कि हाँ सही है, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा है तो आप उनसे भी बेहतर अगर बता सकते हैं, तो आप अपने बात को जरूर रखें, आप अपने बात को रखने में हिचकिचाएं नहीं,
जरूर आप अपने बात को रखें। इससे होगा क्या, आप में कॉन्फिडेंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। दोस्तों ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए कभी मौका मिले बोलने का या किसी को सलाह देने का या कोई सलाह मांगे आपसे तो आप जरूर बताएं उनको, आप अपना ओपिनियन जरूर दें क्या सही रहेगा उनके लिए। टिप नंबर 5, क्रिएट योर वीडियोस। दोस्तों आप अपना वीडियो जरूर बनाएं। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो आप वीडियो जरूर बनाएं, कैमरा के सामने बात जरूर करें, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूं, आप मेरे सामने हैं, आपको लगता होगा कि मैं आपसे देख करके आंख में आंख मिला करके बात कर रहा हूं। तो आप इसी तरह से कैमरा के सामने, कैमरा को अपना दोस्त समझ कर बात करें और समझाने का उनको कोशिश करें, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूं। तो दोस्तों ये सब एक दिन में नहीं होगा, करते करते होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पहले मैं बोल नहीं पाता था कैमरा के सामने, डर जैसा लगता था, लेकिन अभी धीरे 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 बस ठीक हो गया है, बस आपके सामने अभी मैं क्लियर बोल पा रहा हूं। तो आप वीडियो जरूर बनाएं, आप बड़ा वीडियो नहीं बनाकर छोटा छोटा वीडियो बना सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पर आप रील्स बना सकते हैं। दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस तेजी से तभी बढ़ेगा जब आप अपने बात को लोगों के सामने रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लिपसिंग करेंगे तो उससे आपका बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कुछ सिखाएं, आप अपने बात को रखें जो भी आपको आता है, तभी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही तेजी से बढ़ेगा, जैसे कि मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ या कुछ समझा रहा हूँ, और ऐसा मैं बहुत सालों से करते हुए आ रहा हूँ। तो एक दिन का नहीं है भाई, रातों रात में ये सब नहीं होता है, करते करते हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें भाई। ये सभी टिप्स आपको कैसा लगा, कौन सा टिप्स आपको सबसे बेस्ट लगा, कमेंट करके बताएं कौन सा टिप्स आपको बेस्ट लगा। अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पर चाहते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताएं, अगला वीडियो आपके टॉपिक पर आ सकता है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।